नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अभी अभी हरियाणा में मची है खलबली। मनोहर खट्टर का हुआ है निधन। यहाँ पर एक वायरल हो रहा है लेटर, जिसमें कह सकते हैं यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट बना दी गई है। तो इस तारीख को निधन बताया गया है मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो जी हाँ, बता दें कि सीएम मनोहर लाल का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट हुआ है वायरल। पता भी मुख्यमंत्री निवास का, जबकि यूपी से लेकर हरियाणा तक मची है खलबली। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है। इसमें पता भी हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का है। इसमें दावा किया जा रहा है कि यह डेथ सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हुआ है। इसका पता चलते ही उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक खलबली मच गई है। इसे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। सर्टिफिकेट की कॉपी वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। तो जी हां, बता दें कि 2 फरवरी को ये लेटर जारी हुआ है। तो निधन की तारीख 5 मई बताई गई है इस लेटर पर। तो जी हां, इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, इस प्रमाण पत्र में, अपलोड किए गए प्रमाण पत्र में मनोहर खट्टर पुत्र हरबंस लाल के नाम से 2 फरवरी को जारी किया गया है ये लेटर, जिसमें मृत्यु की जो तारीख है वो 5 मई बताई गई है। तो ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो जिस पीएससी का जिक्र है वह है ही नहीं। तो बता दें कि खास बात यह है कि इस डेथ सर्टिफिकेट पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी पन्नूगंज और शाहगंज की रजिस्ट्रार की मोहर भी लगी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के प्रशासन का दावा है कि ऐसी कोई वहां है ही नहीं। बता दें कि शाहगंज में एक पीएचसी जरूर है, लेकिन वहां से लंबे समय से कोई डेथ सर्टिफिकेट जारी ही नहीं किया गया है। तो जी हां, बता दें कि जाँच में जुटा है प्रशासन, तो हड़कंप मचा हुआ है। तो अभी तक हरियाणा को जानकारी नहीं मिली है। तो यहाँ पर कोई जो डेथ सर्टिफिकेट है सीमो के पास, पता है कि अभी कोई इसमें जानकारी नहीं मिल पाई है। तो हालांकि सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आई हैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, ये कहना है हरियाणा के एक अधिकारी यानी सीमो के एक अधिकारी ने बताया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है। तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। कहाँ से ये सर्टिफिकेट वायरल हुआ है, कहाँ से आया है, इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने जाँच के आदेश दे दिए हैं।